इस क्वेश्चन में आपको साइन इनवर्स दिया गया है, 3 sin inverse x, साइन इनवर्स 3x-4x³। ये एक काइंड की आइडेंटिटी है जो आपको स्टेबलाइज करनी है। इस क्वेश्चन के लिए चाहे आप LHS से उठा के आप RHS में प्रूफ करिए, या फिर RHS को उठा के सिंप्लीफाई करके LHS के इक्वल प्रूफ करिए। फाइनली आपको करना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से इक्वेट करना है। अच्छा, ये साथ में बगल में जो रिस्ट्रिक्शन दी गई है, एक्स बिलोंग्स टू -1/2, 1/2, इसका मतलब क्या है क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये इंटरमीडिएट स्टेप्स में हम लोग देखेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, आखिर वो दिया क्यों है। हम लोग पहले सिंप्लीफाई करते हैं, हम इसका RHS उठा के सिंप्लीफाई करते हैं। से RHS इज, RHS आपका कितना है, साइन इनवर्स ऑफ 3x-4x³, ठीक है। अब इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को देखने के बाद, जो आपकी ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन से आपको कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी रिलेट करनी पड़ेगी, ये आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो सेट ऑफ 10 या 15 आइडेंटिटीज होती हैं ट्रिग्नोमेट्री की, वो आप हमेशा लिख लिया करिए एक जगह, ताकि आपको बार बार मेमोराइज हो। जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की, तो उसी समय आप जब लिख के रखे रहोगे तो आपका प्रैक्टिस होता रहेगा, बाद में आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खैर, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं 4cos³θ-3cos θ। देखिए, ये जो आइडेंटिटी होती है, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी होती है, ये कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, लेकिन यहीं पे अगर 3sin θ-4sin³θ लिख दें हम लोग, तो ये जो होता है ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो अब आपको कोरिलेट करना है कि यहाँ पे हम क्या प्लेस करें। तो स्ट्रक्चर वाइज देखिए, जो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो इस वाले से मैच कर रहा है, 3x-4x³, और x की प्लेस पे आपका क्या है, साइन थीटा है, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी आपको कोरिलेट होनी चाहिए। खैर, हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, लेट x इक्वल्स टू साइन थीटा। जो आपका थीटा है ये डमी वेरिएबल है, डमी वेरिएबल मतलब ये हमारा वेरिएबल है, किसी और के लिए अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, गामा हो सकता है, ये सबकी अपनी इंडिविजुअल च्वाइस है। खैर, हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो दैट कुड बी रिटेन एज ए साइन इनवर्स ऑफ 3sin θ-4, क्या हो जाएगा आपका, sin³θ। और यहाँ से हमें पता ही है कि ये क्या लिखा जा सकता है, साइन इनवर्स ऑफ sin³θ। ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। और हम लोग पढ़ते हैं बोर्ड में कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एक्स होता है, तो हम लोग यहाँ पे इसे क्या लिख देंगे, 3θ। लेकिन आपको इस स्टेप पे अलर्ट रहना है, ये स्टेप आपके लिए डेंजरस हो सकती है, ठीक है। बोर्ड के लिए तो सिंपल है, आप लिख दोगे, लेकिन जब भी ये कंपटीशन के क्वेश्चंस आते हैं तो ये डिसीजन मेकिंग स्टेप होता है, वहाँ पे आपको प्रॉपरली डिसीजन लेना होता है। अब देखिए, यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस आती है जो आपको दिया गया है। अब देखिए, ये चीज़ है क्या, हमें ये पता है कि एक्स जो है -1/2 से 1/2 लाई करता है। अब ये देखिए, जो आपके पास x इक्वल्स टू साइन थीटा है, इसका मतलब क्या हुआ कि x हम y एक्सिस पे ले लेते हैं, ये y एक्सिस पे हो गया x, और आपका थीटा x एक्सिस पे हो गया। और साइन थीटा का हमें ग्राफ पता होता है कि जो साइन थीटा होता है, ये ग्राफ आप कभी देखे होंगे, ठीक है, इसी तरह से इधर होगा। अब यहां पे क्या कहा गया है, यहां पे कहा गया है आपको कि लोअर जो मिनिमम वैल्यू एक्स की है वो -1/2 है, तो कहीं -1/2 यहां पे होगा, दैट इज योर -1/2, ठीक है। तो यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं हम, और ये अपर लिमिट क्या है इसकी, 1/2 है, तो कहीं 1/2 आपका यहां पे होगा, यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिए आप। तो देखिए, ये ग्राफ को कहां कट कर रहा है, यहां पे कट कर रहा है और यहां पे, और हम सिर्फ और सिर्फ अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं -π/2 to π/2। तो ये आपकी दो वैल्यूज हैं। अब सोचिए, 1/2 साइन के किस एंगल के वैल्यू होती है, वो 30 डिग्री होता है, और रेडियन में बात करें तो π/6 हो जाएगा, ठीक है, इधर आपका -π/6 हो जाएगा। तो यहां से डिसीजन क्या मिलता है, यहां से डिसीजन हमें ये मिला कि अगर एक्स बिलोंग करता है -1/2 से 1/2, तो थीटा कहां से बिलोंग करे, कहां से कहां बिलोंग करेगा, थीटा की आपकी लोअर लिमिट हो गई -π/6 से कहां हो जाएगा आपका π/6।
तो ये थीटा की रेंज आ गई। अब सोचिए थीटा अगर इतना है, ठीक है, इसी को अगर इनक्वालिटी के फॉर्म में लिख लें तो दैट इज माइनस पाई बाई सिक्स टू पाई बाई सिक्स। अब थ्री से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, थ्री से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस थ्री टाइम्स हो जाएगा, यहाँ थ्री हो जाएगा, यहाँ थ्री हो जाएगा, ये सिंप्लीफाई होके क्या आ जाएगा, थ्री वन जा थ्री और थ्री टू जा सिक्स, ये पाई बाई टू हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, माइनस पाई बाई टू, मतलब थ्री थीटा जो आपका है वो माइनस पाई बाई टू है। अब साइन इनवर्स एक्स का भी ग्राफ आपको पता होना चाहिए, साइन इनवर्स का ग्राफ ये होता है, ठीक है, ओरिजिन से होके जाता है और ये हो गया आपका माइनस वन और ये हो गया आपका प्लस वन, ठीक है, ये पाई बाई टू हो गया और ये हो गया आपका माइनस पाई बाई टू, ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है, ठीक। तो हमें ये पता होता है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, एक्स तभी लिखा जाएगा जब ये एक्स इस साइन इनवर्स के रेंज में होगा। रेंज का मतलब क्या हुआ, माइनस पाई बाई टू होगा। अब देखिए जो आपका थ्री थीटा है वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू है, इसका मतलब कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थ्री थीटा लिखा जा सकता है। तो ये जो हमने डिस्कशन किया, ठीक है, ये सारा डिस्कशन सिर्फ कंपटीशन के लिए है, अगर आप कंपटीशन अप्रोच करना चाहते हैं तब ये सारी चीज़ें सोचने की कोशिश करेंगे या सोचना स्टार्ट करेंगे इस तरह से। लेकिन अगर आपको कंपटीशन की तरफ नहीं जाना है, बोर्ड फोकस कर रखे हैं, तो सिंपली आप लिख दीजिए साइन इनवर्स ऑफ साइन थ्री थीटा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि सारा क्वेश्चन सेट होता है बोर्ड का सिंपल रेंज के अंदर, ठीक है। खैर, तो ये सारा डिस्कशन हम यहाँ से रिमूव करते हैं, तो हम क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा कंपटीशन तरफ जाएंगे तो वो चीज़ें आपको अलर्टनेस सीखनी पड़ेगी, कैसे हम अलर्ट रहते हैं, ठीक है। तो ये आपका आ गया सिंप्लीफाई होके आरएचएस आ गया थ्री थीटा, बट यहाँ सब्स्टिट्यूट क्या किया था हमने, एक्स हमारा साइन थीटा है और थीटा हमारा डमी वेरिएबल, इसे हटाना पड़ेगा, तो यहाँ से थीटा क्या मिल जाएगा आपका, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ये आप रिप्लेस कर दीजिए, तो दैट इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है, एंड दैट इज योर एलएचएस, यही आपका क्या था, लेफ्ट हैंड साइड था, तो आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये जो आपका लिखा हुआ है यहाँ पे, ये सिंपल सिंप्लीफाइड वर्जन है, बस आपको बोर्ड के लिए इतना ही लिखना है, बाकी जो हमने डिस्कशन किया हो सकता है आपको डिफिकल्ट लगे, उसकी नीड नहीं है अगर आप कंपटीशन तरफ नहीं जा रहे हैं तो, अदरवाइज अगर कंपटीशन तरफ जा रहे हैं तो आदत डालिए, ठीक है।